क्रिमिनल फोर्स, और ये आपने टॉट में भी पढ़ा होगा, बैटरी एंड असॉल्ट करके, कि असॉल्ट और बैटरी, जहाँ पे एक्चुअल इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म बैटरी हो जाता है और मेयर अप्रहेंशन ऑफ दैट हार्म इज असॉल्ट। असॉल्ट है, क्रिमिनल फोर्स है। क्रिमिनल फोर्स अगर यूज़ हो गया सच में और उसके नतीजे में इंजरी हो गई तो हर्ट है, जिसे हम सिंपल हर्ट भी कहते हैं। और फिर ग्रीवियस हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट से ऊपर इंसान के साथ डेथ ही हो जाती है, और डेथ से पहले अटेम्प्ट मर्डर हो जाता है, डेथ या जो मर्डर ही है। ये है सीरीज और क्रोनोलॉजी। तो इस डिफेंस के परव्यू से जिसको एक्सक्लूड किया है वो तो ये है, ना इसकी इंटेंशन हो ना नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंशन तो समझ में आता है, नॉलेज को कैसे एक्सक्लूड किया और क्यों किया वो इस इलस्ट्रेशन से समझिए आप। जैसे ए है और बी है, बी और ए ने कंसेंट ले ली, और ए ने उसे कहा कि मैं पानी के नीचे तुम मुझे डुबो और मैं अपनी सांस रोक के दिखाता हूँ। बट बी हैड अ नॉलेज, उसने उसकी गर्दन पकड़ के उसको दबाए रखा, विद द नॉलेज, नॉट द इंटेंशन, जस्ट नॉलेज, कि इससे इंसान मर सकता है। सेक्शन 87 के अंडर डिफेंस नहीं मिलेगा, एप्लीकेबल नहीं है। तो नॉलेज और इंटेंशन ऑफ मर्डर, सिमिलरली नॉलेज और इंटेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, सिर्फ इन्हीं दो ने सपोज ग्रीवियस हर्ट के केस में एग्री किया, बी को इंटेंशन नहीं है बट नॉलेज है, इसने इससे कहा कि तुम मेरे हाथ पे तेजाब डाल के देखो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। बी हैड नॉलेज कि ये तेजाब डालना, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एसिड इन सच ए मैनर, वुड और मे लीड टू ग्रीवियस हर्ट टू ए, द पर्सन कंसेंटिंग। तो 87 का बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चार मेंस इससे एक्सक्लूड किए गए हैं। दैट ऑलमोस्ट कंप्लीट द पार्ट ऑफ सेक्शन 87। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 88। एटी एट डिफेंस ऑफ कॉन्सेंट को ही फर्दर एक्सटेंड करके एक फर्दर सीमेंटेड और मोर रिफाइंड फॉर्म इसी डिफेंस की रिकग्नाइज करता है, विच एक्सक्लूड्स फ्रॉम इट्स परव्यू वन मेंस्रिया ओनली, एक मेंस्रिया को एक्सक्लूड किया गया है, दैट इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये अगर ये मेंस्रिया है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तब तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब उस क्रोनोलॉजी पे गौर करिए, 87 में जब बेनिफिट मांगा तो हर्ट भी हो सकता था, असॉल्ट भी हो सकता था और क्रिमिनल फोर्स भी हो सकता था, बट यहाँ पर 88 इंटेंशन ऑफ डेथ नहीं होना चाहिए। अब सवाल खड़ा हो गया, क्या नॉलेज ऑफ डेथ हो सकती है? ये जस्ट क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं अपने आप से, नॉलेज के बारे में क्या कहता है ये प्रोविजन? जी हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर एक्ट करने वाले को इवन नॉलेज भी थी दैट डेथ में एंस्यू बिकॉज ऑफ सच एन एक्ट, क्या 88 का बेनिफिट मिलेगा? अगर बाकी इसेंशियल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो पहली चीज, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या होना चाहिए उस इस एक्ट के लिए? क्या एज स्पेसिफिक है? नो, एज स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है ये जनरल प्रोविजन है, एप्लीकेबल टू ऑल। ये नहीं है एज स्पेसिफिक प्रोविजन, एप्लीकेबल टू विक्टिम्स और पर्सन्स ऑफ एनी एज, जिसमें कंसेंट दे सकता है वो पर्सन। पर्सन कंसेंट दे देता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, किस चीज़ के लिए? टू सफर एनी हार्म, ही कंसेंट्स टू suffer any harm he consents to suffer any harm expressly or impliedly, और क्यों?
बिकॉज द एक्ट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन कंसेंटिंग. अब ये क्लॉज आ गए जो हम पहले बात कर रहे थे कीवर्ड्स को लेकर के. एंड द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग इन गुड फेथ. ये जो बेनिफिट जुड़ा हुआ है, बेनिफिट जुड़ा हुआ है विक्टिम से, और गुड फेथ जुड़ा हुआ एक्यूज से और डूअर ऑफ द एक्ट से. Doer of the act or accused. ये दो essential, बहुत important ingredients हैं. आगे भी जितने sections अब consent के defense के आएंगे उनका भी ये essential part दिखेगा आपको. Benefit and good faith. Benefit के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था. This is known as principle of benevolence. यानी कुछ लॉज इस पे बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस के. जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी है वो कंपाउंड कंप्रोमाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस. एक्ट वो सारा वैसा हो गया होता है जिसे नॉर्मली क्रिमिनल लॉ ट्रीट करता है एज एन ऑफेंस, एज अ क्राइम, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस से वो ओवरशैडो हो जाता है और वो एक्ट नो लॉन्गर रिमेन्स टू बी अ क्राइम और ऑफेंस. ये लेट्स टेक अ रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन. Bear language, kindly note please. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause, to any person for whose benefit it's done, in good faith, and who has given their consent, expressed or implied. Who has given an express or implied consent to suffer that harm or to take the risk of that harm. Kindly look at the illustration. A surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under a painful complaint, but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit, performs that operation on Z with Z's consent. A has committed no offense. तो ये medical exigency के cases को अक्सर cover करता है, जहाँ पर victim खुद consent दे देता है, किसी भी age का victim consent दे देता है, और consent देता है एक ऐसे act के लिए, जिसमें act करने वाले को कोई भी knowledge, कोई भी intention होता है, but not intention to cause death. तो क्या उसको इंटेंशन टू कॉज ग्रीवियस हर्ट होता है? डेफिनेटली होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है, एम्पुटेशन ऑफ एन ऑर्गन करना है, और उसमें वो ऑर्गन काटा गया, उसका पैर काटा गया, उसका हाथ काटा गया, एम्पुटेशन करना ज़रूरी था किसी बीमारी से बचाने के लिए. ऑल दो इट्स डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, बट नॉट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और इवन नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ. डॉक्टर को ये मालूम है कि ये सर्जरी से या इस ट्रीटमेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो एक्ट किया. क्यों? बिकॉज ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन. बेनिफिट वर्ड जो की वर्ड है वो हर सेक्शन में आपको दिखेगा आगे, और इस यहाँ से स्टार्ट है बेनिफिट को लेकर के. पहले भी मैं पिछले लेक्चर में बोल चुका हूँ, यहाँ फिर याद दिला दे रहा हूँ. बेनिफिट वर्ड को इंडियन पिनल कोड ऑल दो डिफाइन नहीं करता है, मगर बेनिफिट को लेकर के जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 92 की, वो कहता है अ मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट इंटेंडेड बाई दीज सेक्शंस. सिर्फ एक माली फायदा होगा, पेक्यूनरी बेनिफिट होगा, मॉनिटरी बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट नहीं है जो ये सेक्शंस चाह रहे हैं. मिसाल के तौर पर एक पेशेंट ने ये कंसेंट दे दी डॉक्टर को कि आप मेरा गुर्दा निकाल दें, किडनी निकाल के बेच दें, और उसके बदले 10 लाख रुपए लिए. डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने ये सर्जरी, ये मेडिकल प्रोसीजर इसलिए किया क्योंकि 10 लाख रुपए उसको दिए गए और वो ज़रूरतमंद था, ये उसके बेनिफिट के लिए किया गया. इट इज़ मेयरली अ मॉनिटरी और पेक्यूनरी बेनिफिट, हैंस नॉट अ बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ दीज सेक्शंस. तो एक्सप्लेनेशन 92 सेक्शन की. और गुड फेथ वर्ड डेफिनेशंस में आपको याद होगा कोई सेक्शन है, या आपके लिए छोड़ देता हूँ होमवर्क, याद करिए कोई सेक्शन था जो गुड फेथ को डिफाइन करता था. नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड
without due care and attention. Let's move to another provision, which is section 89. Section 89 जो है ये class specific है, कुछ किस्म के लोगों पे applicable है, जो victim है यहाँ पे, जैसे 87 में age specific victims थे, 18 साल से ऊपर सारे लोग, अगला सेक्शन बिल्कुल ओपन था सबके लिए, ये सेक्शन उसी में से कार्व आउट किया गया है। ये आपको आइंदा भी नेक्स्ट लेक्चर जो आने जा रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को लेकर के, वहाँ भी आपको ये दिख जाएगा। वहाँ पे जो डिफेंस है वो कवर होते हैं 97 में मेजरली, 90 सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 97 कहता है कि किस किस चीज़ के रिस्पेक्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है, और 98 इसी का एक स्पेसिफिक केस क्रिएट करता है, जब इंसान हमला करने वाला पागल हो, बच्चा हो, नादान हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक्ट कर रहा हो, इंसेन हो, इंटॉक्सिकेटेड हो, तो उसके अगेंस्ट, उसके एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा, 98 उसका क्लॉज क्रिएट करता है। सिमिलरली ये एक नीड अराइज हो गई थी कंसेंट के केस में कि क्लास स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट किया जाए, तो ये क्लास स्पेसिफिक है जो दो तरह की क्लास लोगों से डील करता है, एक माइनर्स माइनॉरिटी एक क्लास है इसमें, और दूसरे इनसेन, एक वो जो माइनर्स हैं, दूसरा जो इनसेन है। माइनर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कौन है, इस सेक्शन के लिए माइनर वो है जिसकी उम्र 12 साल से कम हो, जिसकी उम्र 12 साल से कम हो, बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। चाइल्ड को बताया बिलो 12 ईयर्स, और इनसेन के लिए। अब क्या होगा इन प्रोविजंस में, अगर माइनर है या इनसेन है तो उसकी कंसेंट का क्या होगा। लॉ ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट करके ये कहना चाह रहा है कि इनकी कंसेंट तो इनवैलिड है, ये अपनी कंसेंट जब भी देंगे कंसेंट इनकी इनवैलिड है। तो इनके बिहाफ पे कंसेंट कौन देगा, इनके बिहाफ पे कंसेंट देगा या तो गार्जियन, या फिर अगर गार्जियन नहीं है, एनी अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, कोई भी इंसान, एनी अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज, जिसको लॉफुल चार्ज है। देखिए कीवर्ड लॉफुल है, इसको नोट करिए यहां पे, लॉफुल है एक लीगल होता है, एक लीगल चार्ज होता है, एक लॉफुल चार्ज है। लॉफुल डिफरेंट है फ्रॉम लीगल, लीगल तो वो है जो कानूनन महज जायज है। मिसाल के तौर पर अगर स्कूल की बस है, उसमें बच्चा जूं ही बैठ गया, तो जो बस का ड्राइवर है ही हैज द लीगल चार्ज ऑफ द चाइल्ड, नॉट लॉफुल चार्ज। लॉफुल चार्ज उसके पास है जिसको अथॉरिटी है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट और गार्जियन। तो ये दो तरह के वर्ड्स हैं, तो एक तो गार्जियन कंसेंट देगा, या फिर लॉफ एनी अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज, और एक्ट कौन करेगा, एक्ट कौन करेगा, ये भी एक सवाल जहन में रखिए, हु मे एक्ट, क्योंकि ये सवाल क्रिएट करेंगे जहन में तो अब इसकी ड्राफ्टिंग समझ में आ जाएगी, लैंग्वेज समझना आसान हो जाएगा। काइंडली लुक एट द बेयर प्रोविजन, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज और ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन, बाय गार्जियन or by the consent of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause
or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause to that person. तो वो सारे एक्ट जो किए जाएंगे एक माइनर जो 12 साल से नीचे का है उसे माइनर मानता है ये लॉ, ये माइनॉरिटी का लॉ नहीं है, लेकिन एक क्रिमिनल लॉ का वो प्रोविजन है जो माइनर मानता है 12 साल से कम उम्र के बच्चे को, और इनसे इन दोनों के बिहाफ पे अगर गार्जियन ने या किसी ऐसे पर्सन ने हु हैज़ द अथॉरिटी हैविंग द लॉफुल चार्ज, तो उसने कंसेंट दे दी और एक्ट किया बाय द गार्जियन ने, गार्जियन ने खुद एक्ट किया और या किसी और ने किया ऑन बिहाफ ऑफ सच गिवन कंसेंट, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। अब क्या क्या कर सकता है वो, ये क्वेश्चन फिर से अराइज हो गया। जैसे पहले था, पहले में था कि चार मेंजरियाज में वो डिफेंस नहीं मिलेगा, 88 में था एक मेंजरिया एक्सक्लूड किया है बस, इंटेंशन ऑफ डेथ नहीं हो सकता, तो 89 में चूंकि विक्टिम बहुत वल्नरेबल है, केस स्पेसिफिक हो, क्लास स्पेसिफिक हो गया, केस स्पेसिफिक हो गया, बहुत वल्नरेबल विक्टिम है, तो उसके खिलाफ क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए प्रोविजोज के फॉर्म में जो कि चार है। ये लेक्चर चूंकि अभी यहीं कट शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपलोड होने में फिर बहुत वक्त लग जाता है, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, बट बिफोर दैट 1 or 2 मिनट्स में हम क्विकली इसको रैप अप कर लेते हैं आज के लेक्चर को। वो ये कि जो सेक्शन 89 है इसको हम पढ़ेंगे, दिस मस्ट बी रेड को जॉइंटली और इन टैंडम विद सेक्शन 92 जो कि लास्ट प्रोविजन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ये चार मेजर सेक्शंस हैं, 87, 88, 89 जो कि अभी पढ़ रहे हैं, 92 जो लास्ट रह जाएगा। ये चार हैं जो इस डिफेंस से डील करते हैं मेजरली, 87, 88, 89 और 92। इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, इसमें है 18 साल से ऊपर, इसमें किसी भी एज का मगर बेनिफिट और गुड फेथ में किया जाए और इंटेंशन ना हो डेथ कॉज करने की, और इसमें क्लास स्पेसिफिक है, ये इनसेन्स और माइनर्स पे एप्लीकेबल है, और 92 जो है ये उन केसेस को कवर करता है जिसमें ऑल टुगेदर ऐसी हालत पैदा हो गई कंजेंट लेना मुहाल है, अगर कंजेंट का इंतज़ार किया तो नुकसान हो जाएगा, जिस हार्म से बचाने के लिए वो एक्ट किया जाना मतलूब था वो हार्म हो जाएगा, इसलिए कंजेंट ली नहीं जाती है, तो ये 92 है। बीच में बस रह गए हमारे दो सेक्शन, सेक्शन 90 और सेक्शन 91। 90 क्या करता है, 90 कहता है कंसेंट से मतलब क्या होगा, 90 वर्ड सेक्शन जो है इस वर्ड कंसेंट को क्वालिफाई करता है कौन सी कंसेंट वैलिड है, और 91 उन केसेस को इलाहिदा करता है जो कंसेंट के साथ मिल के भी हो सकता है ऑफेंस ही कहलाएंगे। यानी कभी कभार, मैं इसका बस एक ब्रीफ नोट दे देता हूँ, कभी कभार कंसेंट एक चीज़ की दी गई वो एक्ट तो हो गया मगर इसके साथ साथ एक और एक्ट किया गया जो अपने आप में इलाहिदा करने पे, सेपरेट करने पे ऑफेंस कहलाता। फॉर एग्जांपल, ए एक पेशेंट है, उसने बी को अपने ऊपर ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी, बी एक डॉक्टर है, और बी ने और ए ने एग्री कर किया कि उसका पैनक्रियास रिमूव किया जाए, इसने पैनक्रियास के साथ साथ उसकी एक किडनी भी रिमूव कर दी, ऑल दो कंसेंट दी गई थी प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर को, बट दैट पार्ट इज सेवरेबल। तो 91 उन एक्ट्स को कवर करता है जो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट तो है मगर अलग से एक ऑफेंस बनता है। इसी तरह ए के पास ज्वेलरी थी, इसने अपने हाथ में बाजू में कोई ज्वेलरी पहन रखी थी, और बी ने सर्जरी करके इसका हाथ तो काट लिया मगर वो ज्वेलरी भी निकाल ली, तो कंसेंट तो दी गई थी हाथ लेने की, ज्वेलरी जो निकाल के ले गया ये अलग से एक ऑफेंस है जो थेफ्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा, वो सेक्शन 91 में कवर होते हैं। अब हम अगले लेक्चर में मज़ीद इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, आप तब तक 92 और 89 की एक साथ रीडिंग लगाइएगा, प्रोविज एक साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो चार प्रोविजोज हैं, चार एक्सेप्शंस हैं दोनों सेक्शंस की, ऑलमोस्ट सिमिलर है कि इन चार हालतों में इन दो सेक्शंस का डिफेंस नहीं मिल पाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।